अभी अभी पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है। अब लोग सोच रहे हैं कि बेल मिली किसमें? इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के समन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे, 1,00,000 की सिक्योरिटी पे, अब ये जमानत पे इसमें हैं। लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए उचित भी है। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, बेबुनियाद केस है। 2 साल से हजारों जगह रेड पड़ रही है, हजारों लोगों की पूछताछ हुई है, लेकिन एक भी नए पैसे का कुछ नहीं मिला, कुछ भी सबूत नहीं मिला, कोई भी एविडेंस नहीं मिली। आज देश के सामने बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को एक तरीके से अपने बाहुबली की तरह यूज किया है कि आप रेड पड़वाइए और फिर चंदा लीजिए और उन लोगों को छोड़ दीजिए, उनका केस रफा दफा कर दीजिए। जो अब आप देखेंगे कि इस मुद्दे से देश को बरगलाने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के मुद्दे से देश को बरगलाने के लिए बहुत सारे इस तरह के ईडी सीबीआई के नए केसेस भी आएंगे, नई जगह रेड पड़ेंगी, नए लोगों को समन किया जाएगा। लेकिन देश के सामने ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोर चंदे में धोखाधड़ी की है। लेकिन ये मामला देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से ये कहा है कि आप मुझे बताइए मुझे क्यों समन किया जा रहा है। ईडी ने कभी जवाब नहीं दिया ढंग से और हमारी लीगल टीम लगातार ईडी को इसका जवाब देती आ रही है कि बताइए मुख्यमंत्री जी को क्यों समन किया जा रहा है, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया है। तो ईडी और सीबीआई का मिसयूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी और देश के सामने ये क्लियर है।